नमस्कार, नमस्कार सोनिया टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। खबर एटा से, जहां नागरिक संशोधन बिल के विरोध में एटा का बाबूगंज 12 बजे तक बंद रहा। वहीं बाबूगंज बाजार के अध्यक्ष साबिर मियां के पहुंचने के बाद बाजार खुला। वहीं साबिर मियां ने बताया कि नागरिक संशोधन बिल को लेकर व्यापारियों में गुस्सा है। उन्होंने कहा व्यापारियों ने 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जाहिर किया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात करने के बाद 2 बजे के समीप हम लोग ज्ञापन देंगे। वहीं परमिशन की बात को लेकर उन्होंने कहा SDM साहब से हमारी बात हो गई है, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन सौंपेंगे। बाबूगंज जो है मार्केट बंद है, क्या अपील करना चाहिए आप व्यापारियों से? हमारी व्यापारियों से अपील है, जो हमारा बाबूगंज है और जो CAA आया कानून, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जो यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से बच्चों को मारा है, उसके विरोध में इन लोगों ने बंद किया था। और CAA कानून जो भी है, उससे व्यापारी जो है संतुष्ट नहीं है या नहीं है, इससे हम व्यापारियों को कोई मतलब नहीं पड़ता। हमारा व्यापार मंडल या हमारा बाबूगंज एक ऐसा संगठन है जो सब लोग मिलके यहाँ पर रहते हैं और मिलके विरोध करती हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने मार्केट बंद किया और अब उन लोगों ने बात मान ली मार्केट को। जिले के आला अधिकारी अभी मार्केट में राउंड अप करते रहे लगातार काफ़ी देर तक, लोगों से बातचीत करी, दुकानदारों से भी कहा कि दुकानें खोलिए, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट आगे से ज़्यादा बंद था, 90-95% पूरी तरह से मार्केट बंद था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, इतना देर क्यों लगा? मार्केट जो ACC जो और NRC का जो विरोध हो रहा है और जो यूनिवर्सिटी में जो लोग पटे हैं, उसका इन लोगों को गुस्सा है, इसलिए इन लोगों ने मार्केट बंद करा। लेकिन हमारे यहाँ पर बड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने मार्केट वो खोला कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, गंगा जमुना तहजीब का जो कल्चर है, और हम उसे छोड़ के एक उस चीज़ को छोड़कर हम उस तहजीब पे आकर उन्होंने मार्केट को यहाँ पे खोला है। किसी तरीके का कोई भी बवाल या यहाँ का व्यापारी नहीं चाहता है। कोई ज्ञापन भी देने का इरादा है? हाँ, ज्ञापन प्रशासन ने हमको उसका आदेश दिया है कि आप लोग ज्ञापन दे सकते हैं। जो हम लोगों की पीड़ा है, जो हम लोगों की तकलीफ है, हम अपने ज्ञापन में लिख के देंगे और प्रशासन को ज्ञापन देंगे। किस समय देंगे? कोई टाइम का कोई अवगत कराया है क्या, किस समय ज्ञापन देंगे आप? हम लोगों का जो टाइम है वो 1-2 बजे के करीब हम लोगों ने ज्ञापन का टाइम दिया है, और हम लोगों की जो तकलीफ है, जो हम लोगों का दर्द है, वो हम ज्ञापन के थ्रू प्रशासन को देंगे। ऐसा है, जिला प्रशासन ने कोई भी ज्ञापन की कोई किसी भी तरह की किसी व्यक्ति को परमिशन नहीं दी गई है, तो वहीं ऐसे में आप लोग ज्ञापन कैसे इशू हो सकते हैं? धारा 144 चल रही है अभी। प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है, प्रशासन ने हमसे कहा है, और यहाँ पे भी आके CO साहब ने आप सबके सामने उन्होंने कहा है कि हम आपको परमिशन देते हैं, और जो भी आपकी पीड़ा है, जो भी आपकी तकलीफ है, चाहे वो NRC की हो, चाहे ACC की हो, जो भी आपकी तकलीफ है, आपको उसको ज्ञापन के रूप में आप हमको दो, हम उसको ऊपर तक पहुंचाएंगे। ऐसा करके पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है, इस रूप में हम लोगों ने मार्केट को खोला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।